हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल चैनल में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको सैमसंग गैलेक्सी जे फोर प्लस का अनबॉक्सिंग करेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप बॉक्स में देख रहे हैं, फ्रंट पर ही जे फोर प्लस का मॉडल दिया गया है। उसमें दिया गया है ओनली इंडियन सिम कार्ड, इसमें और दिया है इन्फिनिटी डिस्प्ले, मूव एप्स और कॉन्टेंट टू एस डी कार्ड, और बाकी किसमें और इन्फॉर्मेशन दी गई डिटेल से, जो कि मैं आपको वीडियो में अंदर मोबाइल के साथ ही दिखाऊँगा इसमें क्या क्या दिया गया है। ऐसे मेक टू इंडिया का लोगो भी दिया गया है, जो कि साइन दिखाता है कि हमारे इंडिया में ये बना हुआ है। सो फ्रेंड, हम ये मोबाइल को अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रेंड, ये मोबाइल खोलते हैं, इसमें आपको कुछ तरीके का मोबाइल सामने रखा हुआ मिल जाता है। ये मोबाइल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये बैक साइड में इसका ग्लास बॉडी दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो को में पहले मोबाइल को खोल कर देखते हैं। यह मोबाइल को रैपर को यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का मोबाइल दिखता है। सो फ्रेंड, ये मोबाइल काफ़ी क्लासिक लग रहा है देखने में। ये देखिए आप, बैक से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें ग्लास बॉडी है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग मारती है, इसमें बिल्कुल भी स्केच नहीं आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी दी गई। हम देखते हैं फ्रेंड, काफ़ी क्लासिक लग रहा है मोबाइल देखने में। इसे हम हर तरीके से फोल्ड देखते हैं, इसमें आप नीचे देखेंगे सीट अप पोर्ट दिया गया है, इसके बाद एक माइक दिया गया है और 3.5 mm पर जैक दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। ऊपर की साइड में आपको इसमें स्पीकर मिलता है, इसमें आपका वॉल्यूम बटन दिया गया है, ये एसडी कार्ड ट्रे दी गई है, उसके बाद नीचे साइड देखेंगे तो दो सिम कार्ड ट्रे दी गई है। ऊपर साइड आपको कुछ नहीं दिया गया है, काफ़ी देखते हैं मोबाइल में ऊपर कुछ नहीं दिया गया है, काफ़ी पतला मोबाइल है। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। सो फ्रेंड, ये बॉक्स हम खोलते हैं, इसमें सबसे पहले हमें देख जाते हैं यूजर गाइड। सो फ्रेंड, ये यूजर गाइड है, आप इसे देख के या पढ़ के समझ सकते हैं कि मोबाइल में क्या क्या फंक्शन कहाँ पर है। सो फ्रेंड, उसके बाद आता है सी टाइप डाटा केबल। ये डाटा केबल है, इससे मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये काफ़ी फास्ट है। उसके बाद हम देखते हैं ईयरफोन, जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, एक ही मॉडल चला रहा है सैमसंग हर किसी मोबाइल में। ये 3.5 mm का ईयरफोन है। उसके बाद हम डिब्बे में देखते हैं तो उसका आपको सिम एडेप्टर टूल मिल जाता है, जो कि सिम ट्रे में यूज होता है। उसके बाद आपका दिख जाता है चार्जर। सो फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं सैमसंग का इसका लोगो दिया गया है। उसके बाद आपको 5.0 volt का से चार्जर है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, फास्ट नहीं है लेकिन अच्छा चार्ज करता है। इसमें सैमसंग की ब्रांडिंग भी दी गई है। सो फ्रेंड, ये तो हो गया आपके बॉक्स कॉन्टेंट। अभी हम इनको साइड में रखते हैं और देखते हैं मोबाइल में क्या क्या और भी कुछ दिया गया है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका सेटअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मोबाइल को स्टार्ट करना होगा, और मोबाइल को स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आता है, जो कि हर मोबाइल में आता है। सो फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इसमें 6 inch की HD इन्फिनिटी डिस्प्ले दी गई है, 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है, 5 MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 पे काम करता है, 2GB और 3GB दो वेरिएंट में काम करता है। सो फ्रेंड, 2GB का वेरिएंट लिया हुआ है, जैसे 33 mAh की बैटरी भी दी गई है, इसमें फेस अनलॉक भी दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है, इसका पैकअप भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये मिड रेंज मोबाइल में काफ़ी अच्छा मोबाइल निकाला है सैमसंग ने, इसका सेटअप भी पूरा हो चुका है। सो फ्रेंड, सेटअप पूरा तो ये मोबाइल स्टार्ट होगा इस तरीके से, इसमें कुछ तरीके का इंटरफेस सामने आता है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी क्लासिक कूल मोबाइल लग रहा है। इसमें पीछे भी देखेंगे काफ़ी अच्छी, इसमें ग्लास बॉडी दी गई है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेटिंग को, इसमें ऑन करके आपको बताते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स दिए गए हैं। सो फ्रेंड, ये हम सेटिंग को ऑन करते हैं, उसके बाद में कुछ तरीके का इंटरफेस सामने आता है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अवार्ड फ़ोन को, अवार्ड फ़ोन आते ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अवार्ड फ़ोन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने आता है। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के, सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे हम तो सबसे फ्रंट पे ही आएगा एंड्रॉयड वर्जन, जो कि इसमें 8.1 का एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, और ये काफ़ी अच्छा वर्जन है और काफ़ी लेटेस्ट भी है। सैमसंग ने अभी ये फर्स्ट टाइम दिया है, इसमें फेस अनलॉक का फीचर्स भी दे रखा है सैमसंग ने, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है, जो कि हर मोबाइल में नहीं आता है। 8.1 में जितने भी मोबाइल आते हैं 8.1 में, उसमें ये फीचर्स दिया जाता है। बाकी इसमें 2 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है। सो फ्रेंड, ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है मिड रेंज मोबाइल में, सैमसंग ने मिड रेंज मोबाइल में काफ़ी अच्छा मोबाइल निकाला है। आप यही मोबाइल लें, मेरे सजेशन तो आपसे यही रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते ही रहते हैं। सो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिरनी वर्गी जद चाल चलूं।